नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कल से ही आईपीएल 2022 की शुरुआत हो रही है। इसी बीच मैं आप सभी को कुछ ऐसे खिलाड़ियों से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अभी तक आईपीएल में सबसे तेज 50 जड़ी है। जी हां, आपको बता दें, पिछले साल कुछ ईशान किशन ने भी ऐसा ही कारनामा करके दिखाया था और ईशान किशन ने सिर्फ और सिर्फ 16 ही गेंदों पर बहुत ही तेज और तूफानी पारी खेलते हुए 50 जड़ दी थी। लेकिन बावजूद इसके ईशान किशन की टीम मुंबई इंडियन आईपीएल से बाहर हो गई थी। अब ऐसे में मैं आप सभी को कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने आईपीएल में अभी तक सबसे तेज 50 जड़ी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इस लिस्ट में कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल नंबर वन पर हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आईपीएल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। 26 मार्च से चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में आईपीएल का पहला मुकाबला खेला जाएगा और यहां से आईपीएल का वो आप देखेंगे कि 65 दिनों तक ये आईपीएल चलने वाला है। और इस बार आईपीएल में दो नई टीमों को जोड़ दिया गया है और इस वजह से मैचों की संख्या भी बढ़ गई है। जहां पहले हमें देखने को मिलता था कि आईपीएल में सिर्फ 60 मैच कराए जाते थे, तो इस सीजन आप सभी को 74 मैच देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे में आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि आखिर आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 कौन जड़ा है। तो चलिए बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 जड़ी है। हमारी इस लिस्ट में नंबर वन पर हैं केएल राहुल। जी हां, आपको बता दें, केएल राहुल बेहद ही तूफानी बल्लेबाज हैं और अभी तक आईपीएल में केएल राहुल ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्हीं में से एक है सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल के ही नाम है। केएल राहुल ने यह कारनामा सन 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए किया था, जब इन्होंने शुरुआत से ही बहुत तेज पारी खेली थी और केएल राहुल ने सिर्फ और सिर्फ 14 गेंदों पर ही 51 रनों की पारी खेल डाली थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि यूसुफ पठान हैं। जी हां, यूसुफ पठान ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 2014 में सिर्फ और सिर्फ 15 ही गेंदों पर 50 जड़ दी थी और ये बहुत लंबे समय तक सबसे तेज 50 बनी रही थी। इसके अलावा नंबर तीन पर हैं सुनील नारायण, जिन्होंने 2017 में यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महज 15 ही गेंदों पर इन्होंने भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ एक बहुत तेज तरार 50 जड़ दी थी। इसके अलावा चौथे नंबर पर हैं सुरेश रैना। दोस्तों, सुरेश रैना जिस तरह के बल्लेबाज रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि सुरेश रैना ने अभी तक आईपीएल में कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं और कितने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। हालांकि इस साल 2022 में सुरेश रैना आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि नीलामी में किसी ने भी सुरेश रैना पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन आपको बता दें कि सुरेश रैना ने सन 2014 में पंजाब किंग्स के खिलाफ सीधे 16 गेंदों पर ही 50 जड़ दी थी। इसके अलावा बात करें अगर पांचवें नंबर के खिलाड़ी की, तो वो हैं ईशान किशन, जिन्होंने अभी पिछले ही साल 2021 में अपने अंतिम मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ बहुत तेज पारी खेली थी और ये पारी बहुत ज़्यादा जरूरी थी मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियन को लगभग 200 प्लस रनों से जीतना जरूरी था। हालांकि ऐसा हो नहीं सका था, लेकिन ईशान किशन की पारी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था जब ईशान किशन ने सिर्फ और सिर्फ 16 ही गेंदों पर 50 जड़ दिया था। तो ये पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 जड़ी है और अभी तक केएल राहुल का रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा है और केएल राहुल ने सिर्फ 14 ही गेंदों पर बहुत तेज 50 जड़ दी थी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।